अच्छे से पता है कब रश करना। और अमित भाई इतना आसान होता नहीं है वैसे, कहना बहुत आसान है मैं ग्रेनेड फेंक रहा हूँ आप अंदर चले जाइए, बट वो जो परफेक्ट टाइम का रश था मुझे लगता है बहुत ही अच्छे पैटर्न में अभी भी अटैक कर रहे टू साइड गेमर्स। और दूसरी तरफ सर बिलास, दो शब्द टर्मिनेटर के लिए आपकी ओर से। सर जी बिलास को स्नाइपर दे दो बस, ये अपना काम बखूबी कर लेंगे। बिलास को स्नाइपर दे दो, ये अपना काम कर लेगा, बाकी काम टीम का है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इसके पास ऑलरेडी एक M82 भी है, अगर इसको मिलेगा तो अब ये दूसरा M82 भी उठा लेंगे। बिल्कुल अमित भाई यहाँ पे आप अगर देखें यूएवी तोड़ दी बिलास ने, आपको क्या लगता है क्यों क्यों तोड़ी गई है? शायद अपना सर जी, अगर मैं इनकी जगह में होता तो एक बार वहाँ पर एरिया में घुस के बंदे चेक करके और तोड़ता है इसको, क्योंकि उससे क्या होता है कि अपना लोकेशन सबसे पहले आप सिक्योर कर पाओगे। जी जी, बट अपनी अपनी स्ट्रेटजी है अभी ये लोग जी अपने हिसाब से खेल रहे हैं। वहाँ पे अमित भाई अगर आपने देखा हो बिलास के एंगल से, वहाँ पे शायद ये TSG की बॉम्ब स्क्वाड को देख पा रहे थे, लेकिन बिलास ने एम लिया, फायर नहीं दिया सर, शायद जोन पकड़ने की चिंता में। जी हाँ सर, ये लोग पहले जोन कवर करेंगे शायद से, और या तो पोजीशन पॉइंट ज्यादा होता है तो आप लोग पोजीशन के लिए सब लोग खेलते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे जी मेन पॉइंट तो अभी अभी अमित भाई ने बताया वो है पोजीशन पॉइंट। हम कैसे भूल सकते हैं पोजीशन पॉइंट्स को गाइस, पोजीशन पॉइंट्स का बहुत महत्व है। और यहाँ पे सर मुझे लगता है टीम नंबर 3 और 4 शायद आमने सामने आने वाली है। सर जी ये हमारी क्रिटिकल एक्स की जो हमारी CRX टीम है, वो टीम भी अभी मैंने यहाँ पर घूम रही थी क्रॉस रोड की साइड, और एरो का पूरा स्क्वाड क्रॉस रोड के घर में छुपा हुआ है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर धप्पा हो सकता है अगर उन्होंने स्पॉट कर लिया तो। जी वैसे CRX की टीम को देखें, CRX एलीट को, यहाँ पे जॉन्टी किलर पहाड़ी और आइकॉनिक चारों बंदे लाइन में। सर एक्चुअली CRX की टीम को कोई भनक नहीं है कि सामने बट सामने टीम है, लेकिन सामने वाली टीम को पता है कि यहाँ पर ये टीम है। ओके, तो उनके पास एडवांटेज है कि लोकेशन पता है उनको। बिल्कुल, तो गाइस यहाँ पे जिनको नहीं समझ में आया हम एक बार दिखा देते हैं ड्रोन व्यू से। नहीं सर अब दोनों को लोकेशन पता चल गया क्योंकि एरो का टीम ने भी वो दे दिया, ड्रॉप फेंक दिया है तो। जी तो गाइस यहाँ पे मुझे लगता है जो अमित भाई ने पॉइंट बताया था वो सर देखिए हम कमेंट्री सीट में कहना आसान है, लेकिन जो वहां पे शायद उनको भी ये पता नहीं होगा कि CRX को भनक नहीं है, लेकिन अमित भाई वॉज बैंग ऑन, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। CRX की जो टीम थी उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि उनके बिल्कुल करीब वहां पे टीम एरो के चारों बंदे थे, बहुत ही अच्छा पोजिशन वहां पे मेंटेन किया था। लेकिन जैसा कि अमित भाई ने मेंशन किया अब तो पता चल ही गया होगा क्योंकि समर एड्रॉप आ चुका है, तो भाई वो तो मैप में दिख ही जाता है। लेकिन अभी अमित भाई मेरा आपसे एक और सवाल है, वो ये है कि इस वक्त जिस किस्म के पोजीशन में टीम नंबर 1 टीम एरो और टीम नंबर 5 CRX है, आपको क्या लगता है कौन सबसे अच्छे पोजीशन में? अब तो दोनों को पता चल गया। सर जी ज्ञान भाई की टीम ने यहाँ पर नाम कसाना लिख रहा है। जी कसाना जी, भाई वो हमारे NXT तोंडे भाई की टीम के थे, उनको खत्म किया, फिनिश कर दिया ज्ञान राहुल ने। तो फील्ड में शायद से ज्ञान भाई की स्क्वाड और यहाँ पर सबीर लिखा है, सबीर भाई का स्क्वाड का यहाँ पर फाइट हो सकता है। और यहाँ पे सर UG एम्पायर भी टीम एरो पे नजर गड़ा के बैठे थर्ड पार्टी के लिए, टीम नंबर 8 उज्जवल आयुष गोल्डन हॉक और पॉपी बिल्कुल नजर गड़ा के बैठे हैं इस वक्त। मुझे लगता है सबसे अच्छे पोजीशन की ओर ज्ञान भाई बढ़ते जा रहे हैं, अगर टीम नंबर 12 से बच गई है जो कि बॉम्ब स्क्वाड है। जी लड़ाई हो सकती है सर, भारत के 2 दिग्गज यूट्यूबर आपस में भिड़ सकते हैं इस वक्त लग रहा है मुझे। और बिलास का किला है सर, बिलास का पहला तो यहाँ पे DC स्पोर्ट्स, बिलास ने एक स्क्वाड के 3 बंदे को फिनिश कर दिया। और बिलास के पास आप देख सकते हैं सर एक AWM और एक M82 है। जी बिल्कुल सटीक आपका प्रेडिक्शन अमित भाई, हैट्स ऑफ। बिल्कुल अमित भाई ने बोला था कि उनके पास MP है, लेकिन अगर दूसरी स्नाइपर मिली तो बिलास 2 स्नाइपर ही उठाएंगे, बैंग ऑन। यहाँ पे बिलास गेमिंग आगे बढ़ते हुए गाइस, और उनके पास है AWM और M82 भी सर, यहाँ पे CRX एलीट की ओर बिलास बढ़ते हुए। मुझे लगता है अभी भी बिलास गलती कर रहे हैं सर, क्योंकि CRX एलीट के 4 बंदे ग्लूबल टिकेगी नहीं सर, यहाँ पे जितना मर्जी ग्लूबल लगा लें वो समन एंड ड्रॉप के अलावा मुझे नहीं लगता दूसरा कोई कवर है। लेकिन एक चीज है CRX एलीट के पास, अमित भाई अगर आप गौर फरमाए जोन आ चुका है, CRX Elite ने यहाँ पे कमाल कर दिया। बिलास और CRX Elite का मुकाबला कर सकता हूँ मैं, ज्ञान भाई को देख रहा हूँ, ज्ञान भाई वर्सेस ऋतिक, वो मौका आ गया, वो पल आ गया सर। ज्ञान सुजान वर्सेस CS ऋतिक, भारत के 2 दिग्गज यूट्यूबर आमने सामने।
कोई भी जीत सकता है यहाँ पे. टीएससी ऋतिक इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स वी हैव. और ऋतिक यहाँ पे अकेले रह गए हैं सर. और ज्ञान भाई की पूरी स्क्वाड ज्ञान भाई की और ऋतिक की भी. यहाँ पे एक चीज है, अगर ऋतिक को भी रश मारने के लिए ये लोग देरी करेंगे सर, तो ये भी जोन नहीं पहुंच पाएंगे. क्या कहना है आपका अमित भाई? सर ऋतिक के पास भी एक एडवांटेज है, अगर ऋतिक यहाँ पर सर्वाइव कर जाएंगे तो ज्ञान भाई की टीम को ये मतलब जी परेशानी दे सकती है, क्योंकि ये साथ में तो एलिमिनेट हो जाएंगे लेकिन ज्ञान भाई की टीम को भी पूरा ले जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. अगर ज्ञान भाई की टीम को अभी इसको फिनिश करेंगे तो उनके लिए सेफ पॉइंट रहेंगे. मैं वही कह रहा था कि अगर ज्ञान भाई रश करने में देरी कर रहे हैं तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है सर देरी नहीं, बहुत देर हो गई है सर. जो कि मैंने बोला आपको, देखिए अब ऋतिक शॉट ज्ञान भाई का कमाल का हेडशॉट. हालांकि ऋतिक हेडशॉट से डाउन नहीं हुए थे, एलिमिनेट हुए, लेकिन सर वो देखा आपने क्या ही घूम के उन्होंने ट्रैक मारा है. और ज्ञान भाई जहां बढ़ रहे हैं अमित भाई, मुझे लगता है अगर विलास ने देख लिया तो कोई चांस नहीं होगा जीजी के पास. विलास सबसे फेवरेबल पोजिशन पे इस वक्त मुझे लग रहा है. सीआरएक्स लीड की टीम है, विलास के ऊपर ज्ञान सुजान का हमला. ज्ञान भाई खुद को हील कर रहे हैं आगे. और यहाँ पे जेपी आगे बढ़ते हुए जेपी, और जेपी को जरा सा भी अंदाजा नहीं है वहां पे पूरी सीआरएक्स लीड की टीम है. ज्ञान भाई वर्सेस किलर. और ज्ञान भाई का मूवमेंट देख के मैं बहुत खुश हो रहा हूँ. यहाँ पे ज्ञान भाई को छू नहीं पाए सर, बिना एक भी डैमेज का ज्ञान भाई यहाँ तक पहुंचे थे, लेकिन अब 22 की हेल्थ है खाली. यहाँ पे अगर जॉन्टी मैंने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, और जॉन्टी ने यहाँ पे कोई मौका नहीं दिया. और ज्ञान सुजान की टीम एलिमिनेट. सीआरएक्स इलीट एक कमाल का मैच यहाँ पे निकाल सकती है, लेकिन अभी भी सर मुझे ऐसा लगता है सर यहाँ पर विलास की टीम के अकेला बंदा ने यहाँ पर सीआरएक्स के एक बंदे को नॉक कर दिया, नहीं बल्कि दो बंदे को नॉक कर दिया. दो बंदे को नॉक किया था, लेकिन एक तो रिवाइव हो गए, एक अभी भी बचे हैं. दोनों रिवाइव हो गए. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है टीम एरो के पास अभी भी एडवांटेज है सर, क्योंकि टीम एरो का पोजीशन अगर मैं देखूं, ओ यहाँ पे एरो आईपी डाउन, इब्राहिम भैया डाउन हुए और खत्म भी. ओ वहाँ पे पहाड़ी डाउन. यहाँ पे देखने वाली बात होगी गाइस, पहाड़ी क्या गुल खिला पाते हैं. आगे बढ़ते हुए किलर आइकोनिक और ए बी जॉन्टी वाई टी, देखते क्या होने वाला. किलर यहाँ पे AWM का शॉट लगाने का. ओह व्हाट अ शॉट बाय किलर, अनबिलीवेबल. यहाँ पे किलर ने अपना काम कर दिया. टीम एरो वर्सेस सीआरएक्स का टीम, अब जो ही टीम बची हुई है सर, योर प्रेडिक्शन. सर मेरे हिसाब से लगता है गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पर सीआरएक्स की टीम बाजी मार जाएगी. देखते हैं, मेरा प्रेडिक्शन मैं नहीं देना चाहूंगा बिकॉज मुझे 50-50 लग रहा है. तो देखते हैं गाइस क्या होने वाला है, AKVD और RNS. लेकिन एक चीज तो है, ओ यहाँ पे क्या शॉट लगाया है, वाला गोली हेड एक का कमाल का है. एक भी डाउन सर, 2-2 बराबरी का मुकाबला. तो गाइस यहाँ पे टीम एरो करते हुए बुया बुया बुया, कॉन्ग्रेचुलेशन.